हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट। इसका पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि डेटाबेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपको समझने होंगे। ठीक है, अगर आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हो तो आपके लिए डेटाबेस को ईजी आपके लिए डेटाबेस पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। तो देखिए, हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। सबसे पहला है यहाँ पर डेटा, इंफॉर्मेशन के अंदर हमने कुछ फीचर्स को यूज़ किया हुआ है, नॉलेज, डेटाबेस के बारे में हम जानेंगे, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यहाँ पे हमने कुछ ऑप्शंस यूज़ किए हुए हैं, मैनेज, अपडेट द डेटाबेस, डेटाबेस यूजर्स, डेटाबेस डिज़ाइनर्स, टेबल, फील्ड रिकॉर्ड्स, इन सब के बारे में जानेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस कंप्लीट होगा, जिनके बारे में पढ़ने पे एरिया ऑफ यूजेस आप इसमें बताएंगे कि डेटाबेस के यूजेस क्या क्या हैं, किन किन फील्ड्स में आज के टाइम में प्रैक्टिकली डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा की। डेटा कहा जाता है कोई भी पर्सन है, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग, दैट इज़ डेटा। ठीक है, सपोज जैसे मैं ये मार्कर पकड़े हूँ, तो अगर किसी ने मेरे से पूछा कि भाई आप क्या पक्षी पकड़े हुए हैं, मैंने कहा मार्कर पकड़े। ठीक है, अगर किसी ने मेरे से पूछा आप कौन सा मोबाइल लेने जा रहे हैं, तो मैं सैमसंग का मोबाइल लेने जा रहा हूँ। तो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो व्हीकल्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो ह्यूमंस हों, सभी जो हैं वो एक डेटा है। क्यों? क्योंकि उनका प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। ठीक है, आज के प्रैक्टिकल टाइम्स में हम लोग दुनिया में जितनी भी जगह जाते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, प्रत्येक जगह का, प्रत्येक चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है। वो नाम क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। ठीक है, किसी ने पूछा भाई ये कौन सा मोबाइल है, तो आपने कहा सैमसंग का मोबाइल है। किसी ने पूछा कौन सा मॉडल है, तो आपने मॉडल के बारे में बताया, मॉडल का नाम बताया, दिस डेटा। किसी ने पूछा भाई ये कहाँ घूमने जा रहे हो, जयपुर घूमने जा रहे हैं, जयपुर क्या, डेटा आपने बताया। ठीक है, जब डेटा मेरे पास क्लियर हो गया, अब हमारे पास आया दूसरा वर्ड इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो है वो हमेशा डेटा से रिलेटेड ही होती है। ठीक है, जैसे किसी ने पूछा भाई आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम नितिश है। ठीक, तो ये मैंने क्या बताया, डेटा बताया। दूसरा, किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हैं, तो मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो ये मैंने क्या बताया, इन्फॉर्मेशन। तो आपने देखा कि इन्फॉर्मेशन जो है वो किससे निकल गई, डेटा से निकल गई। अब इन्फॉर्मेशन के भी कुछ फीचर्स हैं जो कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन डेटाबेस में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं देखिए। इन्फॉर्मेशन के फीचर्स क्या है? पहला, टाइमली। टाइमली का मतलब होता है कि भाई कोई भी जानकारी है वो हमको बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे मिलनी चाहिए, तभी वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूज़फुल है। सपोज आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उस एग्ज़ाम की जानकारी अगर आपको हफ्ता भर पहले मिल जाएगी, भाई इस दिन मेरा इस सेंटर पे एग्ज़ाम है, शहर में एग्ज़ाम है, तो आप क्या होगे, तो हफ्ता भर पहले उसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे, रेडी हो जाओगे। ठीक है, और अगर वही आपको जानकारी बिल्कुल एंड टाइम पे मिलती है, एक दिन पहले मिलती है, आपको लगता है, आपको पता चलता है कि भाई आपका जो सेंटर पड़ा है वो 300-400 किलोमीटर दूर है, और आप एट अ टाइम जाने में असमर्थ हो जाते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी जानकारी है वो आपको बिल्कुल टाइमली मिलनी चाहिए, टाइम से मिलनी चाहिए। एक्यूरेट, हिंदी में कहते हैं शुद्ध। एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल सही, जो भी जानकारी आपको दी जा रही है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, सपोज जैसे ट्रेन लेट हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐप पर देखते हैं, और किसी से आसपास कोई बंदा होता है वो खड़ा, अगर वो बंदा है तो उससे मैंने पूछ लिया कि भाई ये ट्रेन कितने घंटे लेट है, तो वो क्या हुआ, वो जो जानकारी दे रहा है तो वो उसकी जिम्मेदारी है बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी दे। अगर उसके पास जानकारी नहीं है, सही जानकारी नहीं है, तो उसको मना कर देना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये फीचर्स हैं इंफॉर्मेशन के। टाइमली, टाइम से मिलनी चाहिए, एक्यूरेट बिल्कुल सही होनी चाहिए, कंप्लीट मतलब पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ मिसिंग कर रही है, तो आप क्या कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर नहीं मिल रही। नेक्स्ट आता है नॉलेज। नॉलेज को हिंदी में नॉर्मली कहते हैं ज्ञान। ठीक है, नॉलेज जो वर्ड है वो डेटा इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होती है। ठीक है, अगर आपको डेटा के बारे में पता है, आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है, मीन्स आपको नॉलेज है। जैसे सपोज हमारा कोई एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है, हमें कानपुर में मेरा कोई एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है, तो किसी ने मेरे से पूछा कि भाई एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, एग्ज़ाम तुम्हारा कहाँ है, तो हमने कहा कानपुर में, तो मैंने क्या बताया, डेटा। किसी ने पूछा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, तो मैंने उसको एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बताया, मुझे ऐसे ऐसे जाना है, यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर ऑटो करना है, मैं आधे घंटे पहुँच जाऊँगा, ये मैं क्या बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन।
यही प्रोसेस जब आप कर रहे हो प्रैक्टिकली, तो आप क्या करते हो, एडवर्टाइज सेंटर पे पहुंच भी जाते हो। अब आपको हमेशा ये होगा, सेंटर हमेशा याद हो जाएगा। आप कभी भी भविष्य में ऑनलाइन एग्ज़ाम कोई देने जा रहे हैं, किसी भी तरह का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर वहीं पे उसी प्लेस पे सेंटर पड़ा हुआ है, तो आपको क्या हुआ, डेटा भी पता है आपको, इन्फॉर्मेशन भी पता है, मीन्स सेंटर का नाम भी हो, सेंटर का नाम भी पता है, अगर पता है कि भैया वहाँ तक मेरे को कैसे पहुँचना है, मीन्स क्या हो गया, दैट इज़ नॉलेज। ठीक है, जहाँ पर भी हमको डेटा इन्फॉर्मेशन दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, वो कहलाता है नॉलेज। अब आते हैं, बात करते हैं डेटा बेस की। यहाँ पे देखिए, बेस, बेस का मतलब होता है आधार। किस आधार पर डेटा को तैयार किया जाता है, किस आधार पर डेटा को तैयार किया जाता है। जैसे अगर किसी स्कूल की बात कर लें, किसी कॉलेज की बात कर लें, तो वहाँ पे बेस है क्या, वहाँ पे बेस होता है स्टूडेंट, वहाँ पे बेस होता है टीचर, वहाँ पे बेस होता है सब्जेक्ट। ठीक है, अब किसी स्कूल में जा रहे हैं, तो स्कूल में कहा गया कि भाई फिफ्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, और उनका फिफ्थ क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका भाई हमको एक A4 शीट पे सभी के नाम और मोबाइल नंबर लिख के दे दीजिए। तो सपोज हमने माना कि भाई वहाँ पे 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट्स के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी उनके डेटा को लिखने के लिए। हमने एक तरफ हेडिंग डाल ली नेम, हमने दूसरी तरफ हेडिंग डाल ली मोबाइल नंबर। अब हम क्या कर रहे हैं, टाइप करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब 50 लोगों की इन्फॉर्मेशन मैंने एक पेज पर उठा के रख दी, एक टेबल में मिला के रख दी, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, डेटा बेस में। बेस मतलब आधार, मतलब स्टूडेंट का बेस, और स्टूडेंट के अंदर है क्या, आपने 50 नाम लिख रखे हैं। ठीक है, इसी तरीके से कॉलेज, कॉलेज में क्या होता है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, टीचिंग स्टाफ होता है, तो उन सब का डेटा बेस, सभी का अगर कहा जाए भाई इन सब की कंप्यूटर पे टेबल बना के रखिए, किस फॉर्म में, डेटाबेस की फॉर्म में, तो वो क्या तैयार होगा, एक बेस तैयार हो जाएगा, काहे का, डेटा का। तो स्टूडेंट का डेटाबेस, जितने टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं, सपोज मैं टीचर की सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, जितने सब्जेक्ट्स वहाँ पढ़ाए जा रहे हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ कंप्यूटर पे, और उसके बाद टेबल फॉर्म में, दैट इज डेटाबेस। ठीक है, हमारे पास आधार कार्ड होता है, और हमको पता है कि भाई इंडिया में जितने भी लोग हैं सभी को आधार कार्ड इशू किया गया है। तो आधार कार्ड में क्या है, आधार कार्ड में आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका नाम होगा, आपका पता होगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी होती है, और प्रत्येक आधार कार्ड का एक नंबर होता है। ठीक, अब अगर हम अपने गली मोहल्ले में किसी को हमें ऐसा काम मिल गया है कि भाई आपको आज शाम तक जितने भी लोगों के पास आधार कार्ड है उनका नेम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, इनका आपको एक डेटाबेस तैयार करना है, तो आपने क्या किया, मैनुअली पहले सबके घर में गए, ठीक है, आपने किसी रजिस्टर पे या अपने लैपटॉप पे सब चीज़ों को स्टोर कर लिया, और फिर आपने देखा कि भाई कम से कम 75 लोग ऐसे हैं हमारी कॉलोनी में जिनके पास आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, और जब आपने उसको टेबल फॉर्म में अरेंज कर लिया, आपने प्रिंट आउट निकाल लिया हार्ड कॉपी में, दैट इज़ आपने क्या तैयार किया है, डेटाबेस तैयार। ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो सब क्या है, हम भी बिल्कुल डेटाबेस में काम करते हैं। ठीक है, अब आता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि डेटाबेस जब मेरे पास तैयार हो गया, तो यहाँ पर एक सिस्टम काम करेगा इसी डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए और अपडेशन के लिए। ठीक है, मैनेज का मतलब क्या है, सपोज हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रखी है, 50 स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रखी है, अब मेरे को ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो मैंने टेबल बना रखी है क्या ये बिल्कुल सही है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जो मिस हो गया हो, कोई भी स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जो इसका जो क्लास में है भी नहीं लेकिन मैंने फिर भी उसका नाम लिख दिया है। ठीक है, तो इन तरह की चीज़ों की कंट्रोलिंग करना। अपडेट द डेटाबेस का मतलब क्या है, सपोज़ हमको कहा गया भाई दो और स्टूडेंट्स हो जो हैं, आपने 50 स्टूडेंट का तो डेटा बना लिया है, ठीक है, और आपसे कहा गया भाई दो स्टूडेंट्स और हैं, दोनों की एंट्री आप और कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, दोनों के नाम लिखेंगे, दोनों मोबाइल नंबर वगैरह लिखेंगे, जिस फॉर्मेट में आपने डेटाबेस को तैयार किया है दो लोगों को और आपने ऐड कर दिया, तो ये चीज़ क्या हो गई, अब हो गया उस डेटाबेस में अपडेशन। जब भी आपने कोई चीज़ को किसी भी डेटा को इंसर्ट कर दिया, डेटा को डिलीट कर दिया, तो वो फॉर्म आफ्टर ऑपरेशन वो फॉर्म क्या कहलाएगी, अपडेट द डेटाबेस। ठीक है, और अपडेट होने के बाद उसको मैनेज किया जाता है। मैनेज का मतलब है कि भाई फिफ्थ क्लास का डेटा अलग, सिक्स क्लास का डेटा अलग, सेवन्थ का अलग, एट्थ का अलग, दैट इज मैनेजमेंट। तो ये किस में परफॉर्म होता है, डेटाबेस पर, और मैनेजमेंट सिस्टम इस पर परफॉर्म करता है। तो डेटाबेस की जब बारी आती है,
तो यहाँ पे आप एक तो सिंपल पहले डेटाबेस के बारे में बता सकते हो कि बेस के आधार पर बनाया गया डेटा, ठीक है। बेस क्या है? बेस हमारे पास स्टूडेंट का भी है, टीचर का भी है, सब्जेक्ट्स का भी है, कॉलेज का भी है, यूनिवर्सिटी का भी है, रेलवेज का भी है, ठीक है। रेलवेज की बात करें तो आपने आपसे कहा कि भाई पैसेंजर ट्रेन जितनी है उनकी लिस्ट बनाइए, एक्सप्रेस ट्रेन जितनी है उनकी लिस्ट बनाइए, सुपर फास्ट ट्रेन जितनी है उनकी लिस्ट बनाइए, ठीक। अब जब बनाने के बाद अब काम किसका हो गया? डीबीएमएस का काम आ गया। क्या काम आ गया? मैनेज करना है उसको, अपडेट करना है, ठीक है, न्यू डेटा इंसर्ट करना है, और अगर कोई डेटा को डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये था बिल्कुल हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस, ठीक है। आपको बहुत सारी डेफिनेशन भी पढ़ने को मिलती हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, और आप यहाँ से भी बिल्कुल बिल्कुल बेसिक स्टेप से आप डेटाबेस के बारे में जब लिखना स्टार्ट करोगे, बताना स्टार्ट करोगे, तो आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपका मैटर भी क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है मेरे पास डीबी यूज़र। डीबी का पूरा नाम मतलब डेटाबेस, शॉर्ट फॉर्म में इसको डीबी लिखते हैं कैपिटल लेटर। डीबी यूज़र मतलब हम लोग, सपोज हमसे कहा गया भाई 50 स्टूडेंट्स का डेटा आपको तैयार करना है। अब मेरा काम क्या है? मैं टाइपिंग कर रहा हूँ कंप्यूटर पे, डेटा को तैयार कर रहा हूँ। 50 लोगों के नाम मेरे सामने हैं, उनके नंबर मेरे सामने हैं। जब हम उस पर टाइप करना स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम कौन हो जाते हैं उस टाइम? डेटाबेस यूज़र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम एक डेटाबेस का भाग बन चुके हैं और हम उस डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको कंट्रोलिंग कर रहे हैं, तो वो बंदा सिंपल कौन कहलाएगा? दैट इज़ डेटाबेस यूज़र। डीबी होता है डीबी डिज़ाइनर, मीन्स डेटाबेस डिज़ाइनर। डेटाबेस डिज़ाइनर का काम ये होता है कि जो डेटाबेस तुमको दिया गया है कि भाई उसे कहा गया 50 लोगों का डेटाबेस तुमको तैयार करना है, ठीक। अब डिज़ाइनर की जिम्मेदारी क्या होती है? डिज़ाइनर की जिम्मेदारी ये होती है कि वो उस डेटा को कैसे मैनेज करे। जैसे हमें कुछ स्टूडेंट्स के लिए कहा गया है 40 स्टूडेंट्स का आपको डेटा तैयार करना है, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। कैसे करिए? हमें 40 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, कैसे? अब डेटाबेस डिज़ाइनर का क्या काम है? वो सपोज इस तरीके से आपको बना के देगा, नेम, एड्रेस, मोबाइल और क्लास, ठीक। इसके आधार पर, बेस मतलब आधार, इसके आधार पर वो 40 लोगों के नाम लिखेगा, 40 लोगों के एड्रेस लिखेगा, 40 लोगों के मोबाइल नंबर लिखेगा, वो नहीं 40 लोगों की क्लास लिखेगा, ठीक है। तो ये जो डिज़ाइनिंग हमने की, तो ये कौन करता है? ये डेटाबेस डिज़ाइनर। नेम, अब ये उसी की, उसके अपना मन है। नेम के बाद वो पहले क्लास रख दे, नेम के बाद पहले मोबाइल नंबर धर दे, सबसे पहले वो क्लास धर दे, रोल नंबर ऐड कर दे, ये उसकी मन की, ठीक है। उसको बताया भी जाता है कि भाई डेटाबेस जब आप डिज़ाइन करेंगे तो हमको ये फील्ड चाहिए, तो कोई ये फील्ड है हमारे पास, ठीक है। नॉर्मली इसको हम टेबल में हेडिंग बोल देते हैं, इन डेटाबेस की भाषा में इनको क्या बोलेंगे? डेटाबेस की भाषा में इनको फील्ड बोलेंगे। तो हुआ क्या कि जब अगर किसी ने कहा कि भाई मेरे को नेम के बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद रोल नंबर, रोल नंबर के बाद क्लास, क्लास के बाद मोबाइल, इस फॉर्मेट में डेटाबेस बनाना, तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। लेकिन जब आपसे कहा गया कि भाई कुछ बात नहीं है, सिर्फ आप डेटाबेस मेरे को बना के दीजिए, तो यहाँ पर अब डेटाबेस डिज़ाइनर ने क्या किया? अपने तरीके से डेटा को अरेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है। उसने नेम के बाद एड्रेस लिया, एड्रेस का मोबाइल नंबर लिया, मोबाइल नंबर क्लास लिया, ना उसने रोल नंबर लिया, ना कुछ लिया, ठीक है। और इनके बेस पर उसने 40 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर कर दिया। ये बंदे कहलाते हैं डेटाबेस डिज़ाइनर्स, ठीक है। यूज़र्स भी यही हैं और डिज़ाइनर भी यही हैं। यूज़र होता है यूज़ करने वाला, डिज़ाइनर होता है जिसने बना के रख दिया। अब वो यूज़र कौन है? यूज़र वो बंदा आ गया जो भैया उस डेटाबेस को, बने बनाए डेटाबेस को बस यूज़ कर रहा है, ठीक है। और जैसे इसका वर्क ख़त्म हो जाएगा वो डेटाबेस से एग्जिट कर जाएगा। अब बात करते हैं डेटाबेस बनता किस फॉर्म में है? टेबल के फॉर्म में, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पर देखिए छोटी सी टेबल बना रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया सीरियल नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा नेम, क्लास मैंने लिख दिया, रोल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर में हम 1, 2, 3 लिख दे रहे हैं। नेम मैंने लिख लिया भाई अमित, सुमित, रोहित,
ठीक है, और भी डेटा हम बना सकते हैं। क्लास मैंने लिख दिया 7 है, इनकी 8 है, इनकी 9 है, रोल नंबर इनका 21 है, इनका 22 है, इनका 33 है। तो अब टेबल का क्या कॉन्सेप्ट है? टेबल का कॉन्सेप्ट ये कहलाता है कि जब भी डेटाबेस की एंट्री की जाती है या जब भी आपको डेटाबेस बनाने को दिया जाएगा वो हमेशा टेबल की फॉर्म में बनेगा, ठीक है, वो हमेशा टेबल की फॉर्म में बनेगा। टेबल की फॉर्म में डेटाबेस को इसलिए बनाया जाता है ताकि डेटा एक ही जगह कलेक्ट रहे, एक ही जगह स्टोर रहे, वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने थोड़ी सी टेबल बनाई है, तो देखिए इस टेबल में यही दो चीज़ों को आपको और मेंशन कर देना है। मीन्स कहने का ये है कि सिंपल सा हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी डेटाबेस की टेबल डेटाबेस बनाया जाता है तो वो टेबल के फॉर्म में बनेगा। इस टेबल में ये दो कॉन्सेप्ट और ऐड हो जाते हैं। इसमें बात करते हैं सबसे पहले फील्ड की। ये देखिए यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लिया है, नेम लिया है, क्लास लिया है, रोल नंबर लिया है, दैट इज फील्ड्स। क्या कहते हैं इसको? फील्ड कहेंगे। नॉर्मली भाषा में हम इनको टेबल की हेडिंग बोल सकते हैं, लेकिन डेटाबेस की भाषा में हम इसको फील्ड कहेंगे। किस फील्ड के आधार पर आपने क्या एंट्री करी, क्या फील्ड है? अमित सुमित रोहित, ठीक है, ये अमित सुमित रोहित ये है क्या? ये नेम है, ठीक है, ये 7, 8, 9 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, ये क्लास है। अगर हम इतना पोर्शन छुपा दें तो और आपसे कहा जाए कि भैया ये 7, 8, 9 बताइए क्या लिखा हुआ है, तो क्या हम बता सकते हैं? ये कुछ भी हो सकता है, ये किसी का नंबर हो सकता है, ये रोल नंबर हो सकता है, क्लास नेम हो सकता है, ठीक है, कुछ भी डिजिट हो सकती है, किसी भी तरह की डिजिट हो सकती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि भाई ये देखिए अब बताइए किसके अकॉर्डिंग है, तो ये आपने देखा कि हाँ भाई ये तो क्लास है, तो मतलब अमित जो है 7th क्लास में, सुमित 8th क्लास में है, रोहित जो है 9th क्लास में, ठीक। अच्छा, दूसरा मेरे पास आ गया रोल नंबर। तो ये चीज कहने का मतलब क्या है, इन सबको क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। अभी इंट्रोडक्शन और डेटाबेस की बात कर रहे हैं, आगे चल के इन फील्ड का नाम फिर से चेंज हो जाएगा, इसको कहेंगे एट्रीब्यूट, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट में होगा। एट्रीब्यूट भी अलग कॉन्सेप्ट में होगा, वहाँ पे फील्ड को एट्रीब्यूट क्यों कहा गया है ये भी आपको बताएंगे। तो अभी इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस में टेबल के बारे में मैंने जाना, जिसमें मैंने जाना कि जब भी डेटाबेस आपको बनाया जाएगा, चाहे उसमें 10 लोगों की एंट्री करनी हो, चाहे 5000 लोगों की एंट्री करनी हो, टेबल फॉर्म में बनेगा। टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। इस टेबल में दो चीज़ें ऐड होती हैं, पहला हमने फील्ड को समझ लिया, सेकंड आता है रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स का मतलब ये है, ये जो आप एंट्री कर रहे हो, सीरियल नंबर में आपने कितने लोग लिखे हैं 3, नेम में आपने क्या क्या लिखा है अभी सुमित, ठीक है, क्लास में आपने कितनी एंट्री करी है, ये दैट इज रिकॉर्ड्स। इसको कहते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। जब भी हम लोग एग्ज़ाम देते हैं काय का 10th का 12th का हमारा रिजल्ट आता है, तो रिज़ल्ट आपने गौर किया होगा कि जो मार्कशीट आती है वो टेबल के फॉर्म में आती है, ठीक है, हालांकि उसमें लाइंस नहीं बनी होती हैं, लेकिन वो रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो वो जितना डेटा आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपके लिखे हुए हैं, यहाँ पे मार्क्स आपके लिखे हुए हैं, इंटरनल मार्क्स लिखे हुए हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है, परसेंटेज वगैरह सब लिखी हुई है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो टेबल क्या कॉन्सेप्ट है? टेबल का कि जब भी डेटाबेस बनाया जाता है टेबल के फॉर्म में बनाया जाएगा, फील्ड के आधार पर एंट्री करी जाएंगी, और जब हम एंट्री कर देंगे तो उनको क्या कहेंगे? रिकॉर्ड्स, क्लियर। नेक्स्ट, अब मेरे पास आया एरिया ऑब्लिक यूजेज ऑफ डेटाबेस, ठीक है। ये आपको दोनों तो हम नाम से मिल सकता है, एरिया का मतलब क्षेत्र होता है, कौन कौन से क्षेत्र में डेटाबेस का यूज़ होता है, और यूजेज ऑफ डेटाबेस मतलब किन किन क्षेत्रों में डेटाबेस का यूज़ होता है। तो अगर एरिया भी लिखा हुआ है या यूजेज लिखा हुआ है तो उसमें आप कन्फ्यूज नहीं होना है। तो देखिए बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब क्या है? जितने बैंक हैं उस सब में क्या होता है, लोग अपना पैसा जमा करते हैं, उनका अकाउंट नंबर होता है, कोई भी बंदा आया उसको नया अकाउंट खुलवाना तो छोटा सा फॉर्म भरता है, उस फॉर्म में अपना नेम, पूरा पता, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, उसके बाद अपना एड्रेस, ये सारी डिटेल भरता है, फ़ोटो वगैरह लगाता है। तो ये सारी डिटेल क्या हुई एक बंदे की। अब उस बैंक में सपोज़ 500 लोगों का अकाउंट है, तो जब 500 लोगों का एक पूरा डेटाबेस बनाया जाएगा तो क्या हुआ, बैंकिंग भी हमारे लिए डेटाबेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आपको पता है कि इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, लोग लोन के लिए लोन पास करवाते हैं, लोन से रिलेटेड सारा काम होता है इसमें। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत बड़ा डेटाबेस है बैंकिंग का भी। फिर आता है एयरलाइंस। एयरलाइन मतलब जब हम लोग हवाई यात्रा करते हैं तो हम लोग एयरलाइन को यूज़ करते हैं, जिसमें टिकट्स होते हैं, टिकट्स आप अरेंज करते हो, तो एयरलाइन का एक बहुत बड़ा डेटाबेस में रिजर्वेशन, जो बिल्कुल ट्रेन जैसे रिजर्वेशन होता है, इसमें रिजर्वेशन होते हैं, ठीक है।
तो ऑनलाइन रिजर्वेशन होता है, एयरलाइंस का भी बुक आप ये मान के चलिए कि सारा काम ऑनलाइन होता है, ठीक है। उसमें आप जब आप जाते हैं तो कंप्यूटर पे आपकी सारी डिटेल ऑलरेडी उसमें पहले से इंट्री होती है, क्यों, क्योंकि आपने उसको रिजर्वेशन कराते समय अपनी सारी डिटेल वहाँ पे सबमिट करी हुई है। तो सपोज़ उस दिन 600 लोगों को सफ़र करना है, तो 600 लोगों की इंफॉर्मेशन आपके उनके कंप्यूटर सिस्टम पे ऐड होती है, बाकी आपके पास जो वीज़ा है, पासपोर्ट है, उन सब की डिटेल उसमें ऐड करते हैं। तो वो क्या हो रहा है, दिन भर उनका वही काम होता है, वहाँ पे हजारों लाखों लोग रोज़ आते हैं, सबका डेटा भी वहाँ पे बन के तैयार होता है। ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये कुछ साइट ऐसी हैं जहाँ से हम लोग हर रोज़ कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग हमारे पास बहुत बड़ा डेटाबेस है, यहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उस प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, प्रोडक्ट के डिस्काउंट के बारे में, डिलीवरी के बारे में, ठीक है, चार्जेस के बारे में, हर टाइप के प्रोडक्ट, हर टाइप के एसेसरीज की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो ये भी मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस का एग्जांपल है जिसमें हम लोग दिन भर इसको यूज़ करते हैं। यूनिवर्सिटी में हमारे पास डेटाबेस का अच्छा एग्जांपल है। सपोज यूनिवर्सिटी से 15 कॉलेज एफिलेटेड हैं, तो उन 15 कॉलेज के नाम, 15 कॉलेज के एड्रेस, 15 कॉलेज के प्रिंसिपल्स, ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट्स, क्या क्या कोर्सेज वहाँ पे चल रहे हैं, कितना टीचिंग स्टाफ है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कहाँ पर स्टोर होती है, यूनिवर्सिटी में स्टोर होती है। किनकी, 15 कॉलेजों की इन्फॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी में स्टोर होती है। अब यूनिवर्सिटी का जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि 15 कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट हैं, सपोज 5000 स्टूडेंट्स हैं 15 कॉलेज को मिला के, तो 5000 स्टूडेंट्स की फीस से रिलेटेड और उनके नाम पते, जो कि वही फॉर्म भरते हैं, तो नाम पता सब वो अपने फॉर्म में भर के देते हैं, जिसको एडमिशन जब लेते हैं तो सारी डिटेल अपनी देते हैं, आधार कार्ड नंबर, पता, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद उनका एडमिट कार्ड आता है, तो एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी क्या करती है, एडमिट कार्ड सभी कॉलेज को ट्रांसफ़र करती है। तो कहने का मतलब क्या है, यूनिवर्सिटी में पूरा एक डेटाबेस की तरह वर्क करता है, ठीक है, और एक्चुअल डेटाबेस इनमें यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपके पास जितनी फील्ड्स की हुई हैं ये सब डेटाबेस की फील्ड्स हैं, ठीक है, और भी होती हैं। तो आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस में, बेसिक कॉन्सेप्ट डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज डेटाबेस, DBMS के बारे में पढ़ा, मैनेज अपडेट कैसे करते हैं, ठीक है, डेटाबेस यूज़र कौन होता है, डेटाबेस डिज़ाइनर कौन होता है, टेबल क्या मतलब है, फील्ड्स का क्या मतलब हुआ, रिकॉर्ड्स का क्या मतलब हुआ, यूजर्स का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हमने छोटी सी आपको छोटा सा एग्जांपल भी लेके दिखाया। तो कहने का मतलब क्या है कि डेटा बेस के बारे में आपको जब भी पढ़ना हो, आपको जब भी लिखना हो, तो आपको सोचना नहीं है कि हम क्या लिखें, बस आपके माइंड में होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को इसके बारे में लिखना है, मेरे को इसके बारे में हम बता सकते हैं। तो दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस। तो आज की क्लास में इतना ही, और डेटाबेस रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको अगले वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।